हुए हैं, आपको धन्यवाद है। वस्तुतः हम केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जो कोट भलवाल में स्थित है, एक युवा महोत्सव जो प्रतिवर्ष हमारा होता था, एक ऑल इंडिया युवा महोत्सव होता था, इस वर्ष हमारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने अलग अलग चार जोनों में इसका आयोजन कर रहे हैं। नॉर्थ जोन का यहाँ हमारे कोट भलवाल के द्वारा किया जा रहा है, जिसको हम श्राइन बोर्ड कटरा के साथ मिलकर कर रहे हैं, कटरा में ही करेंगे। इसमें यूथ फेस्टिवल या युवा महोत्सव का आयोजन का मुख्य उद्देश्य होता है कि संस्कृति को हम सामाजिक स्तर पर छात्रों के स्तर पर बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य है। छात्र संस्कृत के छात्र क्रीड़ा महोत्सव भी कर सकते हैं, यह उस छात्रों में एक होना चाहिए, क्रीड़ा के माध्यम से भी वो आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि लोगों में एक धारणा बनी हुई रहती है कि संस्कृत पढ़ने का मतलब पूजा पाठ कराना यही, जबकि संस्कृत के छात्र तो सब कुछ कर सकते हैं। और नई शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा को महत्व दिया गया है, और भारतीय ज्ञान परंपरा संस्कृत के बिना संभव नहीं है, क्योंकि जितने भी ज्ञान विज्ञान है संस्कृत में निहित है। इस युवा महोत्सव को 20 तारीख से 22 तारीख तक वहाँ किया जाएगा, जिसमें शैक्षिक स्पर्धाएँ, सांस्कृतिक स्पर्धाएँ और क्रीड़ा स्पर्धाओं का आयोजन होगा। इसमें प्रायः हमारे इस जोन में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, इतने स्टेट में जितने भी हमारे संस्थाएं हैं संस्कृत की, वो भाग ले रहे हैं। प्रायः 10 संस्थाओं के छात्र यहाँ लगभग 300 से 400 तक छात्र आएंगे, उनके विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। और इस तरह से इसमें क्रीड़ा, इसके बाद इसमें जो विजेता छात्र होंगे वो ऑल इंडिया खेलने के लिए जाएंगे, और ऑल इंडिया लेवल पर भी इसका इस प्रतियोगिता का आयोजन होता है। और इस तरह संस्कृत को समाज में लाना, संस्कृत को लोक व्यवहार में लाना, क्योंकि आप देखेंगे कि वहाँ होगी कबड्डी, वो भी उसकी कमेंट्री संस्कृत में होगी, बैडमिंटन होगा, कमेंट्री संस्कृत में होगा, वहाँ कंप्यूटर से संस्कृत किस तरह पढ़ाया जा सकता है इसका भी कंपटीशन है, संस्कृत नृत्य भी होंगे, नृत्य कंपटीशन है, संस्कृत गीत कंपटीशन है, ये सारे होंगे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन हमारे माननीय जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जी मनोज सिन्हा जी करेंगे 20 तारीख को, और ये 3 दिनों तक क्रीड़ा स्पर्धाएँ होती रहेंगी, जो वहाँ कटरा में ही होंगी, कुछ प्रतियोगिताएँ हम रियासी में भी कर रहे हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि हम विभिन्न जगहों में अपने परिसर के अतिरिक्त अन्य जगहों पर कर रहे हैं, तो वहाँ के स्थानीय लोग भी संस्कृत से जुड़ सकें और इस तरह से संस्कृत सबके मन में आए, यही उद्देश्य है। धन्यवाद। लगभग 12 कैंपस है हमारे विश्वविद्यालय के, और लगभग 22 आदर्श महाविद्यालय है। सभी मिला के एक पहले अखिल भारतीय युवा महोत्सव का आयोजन होता था, इस वर्ष से हमारे कुलपति जी ने इसको 4 जोन में डिवाइड कर दिया है। उद्देश्य इसका वर्गीकरण का उद्देश्य यही होता है कि 4 अलग अलग जगहों पर यह कार्यक्रम होगा, तो समाज में इसका स्वरूप कुछ और जाएगा और समाज इसके प्रति, संस्कृत के प्रति रुचिमंद होंगे। और इस युवा महोत्सव में भी हम क्रीड़ा प्रतियोगिता, शैक्षिक प्रतियोगिता, सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहे हैं, और जिससे बहुत सारे युवा इस मार्ग से भी आगे बढ़ेंगे, इस क्रीड़ा में भी आगे बढ़ सकते हैं। और इसका उद्देश्य यही होता है कि छात्रों को ये न लगे कि हम संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ने वाले भी इन युवा महोत्सव में भाग ले सकते हैं, क्रीड़ा में भाग ले सकते हैं, और इस मार्ग से वह राज्य स्तरीय क्रीड़ाओं में भी भाग ले सकते हैं, भारतीय क्रीड़ाओं में भी भाग लेते हैं हमारे छात्र इस तरह से प्रोत्साहित होकर। और यह इस वर्ष हम श्राइन बोर्ड कटरा के साथ मिलकर इसका आयोजन कटरा में कर रहे हैं, जिसका उद्घाटन 20 तारीख को है, माननीय उपराज्यपाल जी इसका उद्घाटन करेंगे, और 3 दिन तक यह क्रीड़ा प्रतियोगिता है, और जिसको कुछ रियासी के में भी हम कुछ प्रतियोगिता आयोजन करेंगे बैडमिंटन इत्यादि का, और इसमें कुश्ती भी है, बैडमिंटन भी है, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, शतरंज है, एथलेटिक्स है, इतने सारे प्रतियोगिताओं का, फिर शॉर्ट वीडियो प्रतियोगिता भी है, और शैक्षिक स्पर्धाओं में वार्ता लेखन है, जो समाचार लिखते हैं, फिर संस्कृत अनुवाद प्रतियोगिता है, कंप्यूटर में संस्कृत किस तरह उपयोग कर सकते हैं उसकी भी स्पर्धाएँ हैं, संगीत स्पर्धा है, नृत्य स्पर्धा है, इन सब का आयोजन हम कर रहे हैं,
जो 20 से 22 तक चलने वाली है।